नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, जहां एक तरफ झारखंड की नदियों और तालाबों का बुरा हाल है, जहां की नदियां धीरे धीरे नालों में बदलती जा रही हैं, वहीं झारखंड के पद्मश्री विजेता जल पुरुष सिमोन उराव पूरे झारखंड के लिए एक मिसाल बन गए हैं। सिमोन उराव ने गांव वालों की मदद से 3 बांध, 5 तालाब और 10 से ज्यादा कुओं का निर्माण करवाकर एक मिसाल पेश की, जहां एक तरफ हरमू नदी की हालत देखकर दिल दहल जाता है, सोचना पड़ता है कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं अपनी प्रकृति के साथ, अपने पर्यावरण के साथ। हरमू नदी रांची की जीवन रेखा है। नदी को पाट कर दुकानें और घर बनाए जाने लगे हैं और इसका परिणाम यह हुआ है कि 40 मीटर चौड़ी पाटों वाली यह नदी अब 10 फीट पर सिमट चुकी है। हरमू नदी का पानी दूषित हो चुका है। जहां लोग पहले इसका पानी पिया करते थे, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल किया करते थे, आज उसमें हाथ धोने से भी हिचकते हैं। ये पिस्का से निकलकर सुवर्ण रेखा में मिलती है। यहाँ के पेड़ जैसे जैसे कटते गए, पानी में भी कमी आने लगी। हरमू के किनारे पेड़ काटने की वजह से किनारे टूटते रहे, जिससे नदी की गहराई कम हो गई। हरमू नदी में फेंका जा रहा प्लास्टिक, कूड़ा और अन्य कचरा हरमू नदी की सांसों को रोकता जा रहा है। उसमें जा रहा नाली का पानी उसे घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर रहा है। जहां एक तरफ लोग हरमू नदी को मारने का अथक प्रयास कर रहे हैं, वहीं रांची के बीजेपी नेता राकेश भास्कर जी ने इस पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि इसमें पूरे शहर का सीवेज प्रवाहित होता है। उन्होंने कहा कि हरमू के बिना रांची का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात रांची वासियों को समझने की जरूरत है और जिन लोगों की वजह से हरमू नदी इस हालत में है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने लोगों को भविष्य के लिए चेताया और कहा कि भविष्य में पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि बाल्टी और लोटे जैसे पानी रखने का सामान लेकर लाइन में लगना पड़ेगा। पानी का कम से कम उपयोग किया जाए, उसे साफ रखा जाए। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण मंच के अध्यक्ष राकेश भास्कर जी ने कई अभियान चलाए। उनका पर्यावरण की दिशा में प्रयास सराहनीय है। इसके साथ ही जल पुरुष सिमोन ने जल बचाव के लिए जो अथक प्रयास किए हैं, वह सभी के लिए प्रेरणा है। गाँव तो गाँव, सिमोन का यह प्रयास देखकर सरकार भी इनकी मुरीद हो गई है। उन्होंने साथी हाथ बढ़ाना का नारा भी दिया। इन्होंने अकेले जो कर दिखाया, वह पूरे राज्य नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए विकास का पैमाना बन सकता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करें।